हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं एक कन्नड़ मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ गाइस, जिसका नाम है कंतारा। और इसके अंदर ऋषभ शेट्टी हमें नजर आने वाले हैं, जो कि इस मूवी के राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, और वो एज एन एक्टर भी इसमें काम कर रहे हैं। तो इस मूवी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ गाइस, ये किस चीज़ पे बेस है, क्या ये रियल स्टोरी पे है या फिर एक फिक्शन है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ट्रेलर देख लेते हैं और आगे की बात बाद में करते हैं। ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಗ ಸಾಯೋದು ಅಂತ ನೆಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿನ ರಾಜ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆನಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದವರು ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ 14 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು। ಶಿಕಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ। ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು। ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ। ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು, ಜನ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ। ನಿಮ್ದು ಅತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆಡಂಬರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡಿದವ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಸ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ। हॉरर है क्या? जबरदस्त। तो गाइज, ये छोटा सा टीजर था लेकिन काफी इंपैक्टफुल सा टीजर था। तो काफी डार्क सा ट्रेलर नजर आ रहा है, और एक चीज की मुझे याद दिला दी इस ट्रेलर को देख के। तो मैं ज्यादा मतलब पुष्पा से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि वैसा ही कुछ कैरेक्टर नजर आ रहा है इसके अंदर। वो स्मगलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो पता नहीं, लेकिन वो स्टार्टिंग में जैसे दिखाते हैं कि वो लोग शिकार पे निकलते हैं, शायद वाइल्ड बोर्स का शिकार कर रहे होते हैं वो लोग, तो शायद वो हंटिंग वंटिंग करते हैं, और इसमें शायद उसी से रिलेटेड कोई स्टोरी होने वाली है। लेकिन जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है, आगे हम वो पुलिस वाले का कैरेक्टर देखते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी पावर को इम्पोज करना चाहते हैं इन लोगों के ऊपर, और वहाँ पे वो अपना कल्चर सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आई थिंक वो बफेलो रेसिंग की बात करते हैं, और वो पुलिस वाला उसको बंद करने की बात करता है, लेकिन वो उस चीज को एज अ कल्चर बोलते हैं कि हमें अपना कल्चर फॉलो करना है। और वहाँ पे वो बफेलो रेसिंग हमें आगे देख भी सकते हैं, जहाँ पे वो पानी के अंदर वो जो शॉट लेता है स्लो मोशन में, बहुत जबरदस्त शॉट होता है, और वो दो बफेलो को राइड कर रहा होता है। तो ये चीज जबरदस्त होगी कि एज एन एक्टर उन्होंने शायद वो रियल में परफॉर्म किया, क्योंकि स्लो मोशन में दिख रहा था कि वो खुद थे वहां पे। तो एज एन एक्टर उनको ये चीज रियल में करना, क्योंकि काफी स्ट्रेंथ लगती है और काफी बैलेंसिंग चीज है, तो हो सकता है इन्होंने काफी प्रैक्टिस की हो इस चीज के लिए। तो जितना ट्रेलर में नजर आया गाइस, उसमें इतना तो पता चलता है कि ये जो मूवी का जो मेन प्लॉट होने वाला है, कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट के अंदर मतलब वो हंटिंग करते हैं, उससे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि जो पुलिस वाला है वो शायद परमिशन देना नहीं चाहता। और आगे कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिटिशियन से बात करते हुए भी देखते हैं उसको, कि वो शायद परमिशन की बात कर रहा होता है। तो ये गांव वाले जो होते हैं, वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वो अपना हक मानते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर रहना, और यहाँ से जो भी शिकार करना ये सब वो अपना हक मानते हैं उस पर। लेकिन एज एन गवर्नमेंट और जो पुलिस एम्प्लॉय है वो उसके ऊपर शायद रिस्ट्रिक्शन कहीं लगा रहा होता है। तो आई थिंक मूवी के अंदर हमें इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, और इसमें शायद तीसरा एंगल एक पॉलिटिशियन का भी होगा, क्योंकि जो गांव वाले हैं कहीं ना कहीं उस पॉलिटिशियन का वोट बैंक है, तो अब वो उनको सपोर्ट करता है कि अगेंस्ट में जाता है, ये अब स्टोरी के अंदर हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि ट्रेलर में नजर आ रहा है कि पूरे गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, और वो जो अथॉरिटीज है जो उनको फोर्स कर रही है चीजें बंद करने के लिए, उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, और यही शायद हमें मूवी के अंदर आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्टली तो पूरा का पूरा ट्रेलर ऐसा लग रहा था कि नाइट में शूट किया गया है, तो हो सकता है काफी सारे सीन हमें इसके अंदर नाइट ओरिएंटेड नजर आए, तो एक एजी सा लुक भी देता है। अगर नाइट का आप कोई भी शॉट देखो ना, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल भी नजर आता है, क्योंकि इसमें जितना भी ज्यादा इन्होंने लाइट का जो यूज किया है, वो कहीं ना कहीं फायर लाइट का यूज किया है, मतलब लकड़ी जलते हुए ये सब का, और नाइट के अंदर उस चीज के प्रेजेंस कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल शॉट नजर आता है। कोई भी शॉट को आप देखोगे, चाहे वो सारे के सारे लोग गाड़ी में चढ़ के जा रहे थे, तब उन्होंने तब भी अपने हाथ में मशाले पकड़ी हुई थी, या फिर ऊपर से जब गांव का शॉट लिया गया है,
कहीं भी, तो पूरे के पूरे गांव में सिर्फ मशालों से आग लगाई गई है, क्योंकि शायद हो सकता है इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, तो जो गांव वाले हैं आई थिंक वो काफी चीज के लिए सफर कर रहे हैं। वही चीज हमें इस मूवी के अंदर भी देखने मिलेगी। और अगर बात करेंगे डायरेक्शन की गाइस, तो बहुत अच्छा डायरेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शॉट्स लिए गए हैं, और जो स्लो मोशन लिया गया है वहां पे जो वो दोनों लड़ते हुए और जो पूरा का पूरा वो पलट के उसको गिरा देता है, वो आई थिंक वो एक सिंगल टेक में लिया गया था। और जो वो बफेलो जो राइड करता है वहाँ पे जो स्लो मोशन में दिखाते हैं पानी उड़ते हुए, वो भी बहुत सुपर्बली एग्जीक्यूट किया गया ऐसा लग रहा था, और बहुत अच्छा शॉट भी लिया गया था उसको। और एक और सीन में जहाँ पे हमारा हीरो सब चिल्ला रहा होता है तो वहाँ पे चिंगारी सी उड़ रही होती है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत शॉट था। तो इसमें जितने भी एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, काफी जेन्युइन सी परफॉर्मेंस लग रही है सबकी। और जो लास्ट सीन था गाइस वो बहुत ही जबरदस्त सीन था, क्योंकि वो एक मशाल लेके आई थिंक वो जंगल में टॉयलेट करने जाता है और वहां पे उसको कोई आवाज आती है, आई थिंक वो एक वाइल्ड बोर है और हो सकता है कि वो उस पर अटैक कर दे, क्योंकि ट्रेलर के अंदर इनको हंटिंग करते हुए जाते तो नजर आया लेकिन हमें एज सच कोई वाइल्ड बोर नजर नहीं आया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मूवी के अंदर भी इंक्लूडेड हो, तो ये चीज भी देखने में मजा आएगी। तो ओवरऑल ये ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है गाइस, इसके अंदर विलेज पॉलिटिक्स नजर आ रही है, तो इसका आगे क्या होने वाला है ये इसके लिए तो हमें मूवी देखनी पड़ेगी, या फिर जब पूरा का पूरा ट्रेलर आएगा तब कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें निकल के आएगी। लेकिन तब तक के लिए गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए गाइज, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।